असलम स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन ओके बच्चे टुडे डे आर टॉपिक इज मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इट्स ऑन पेज नंबर फिफ्टी थ्री ऑफ बुक दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आज हम अपने मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं ठीक है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हैं ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दे आर पार्ट ऑफ आर डेली एवरी डे लाइफ वी यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन आर डेली लाइफ ठीक है अब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं ऑल दीज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दे आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर मेड अप फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ये जो सर्किट्स होते हैं ये किससे बनते हैं कंपोनेंट से बनते हैं हेयर वी हैव डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ठीक है देर आर मैनी कंपोनेंट्स दैट कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बहुत से कॉम्पोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होते हैं हेयर वी कैन सी डिफरेंट कम्पोनेंट्स ठीक है यहाँ पर हम डिफरेंट कम्पोनेट्स देखते हैं जैसे वी हैव वायर सेल और बैटरी लैम्प मोटर बेल बर्जर स्विच ऑल दीज आर डिफरेंट कम्पोनेंट्स दे ऑल आर इलेक्ट्रिकल कम्पोनेट्स ठीक है दे आर यूज टू मेक डिफरेंट स्विचेस ठीक है अब ये जो इलेक्ट्रिकल कम्पोनेट्स हैं यहाँ पर पेज फिफ्टी थ्री पे आप इनकी रिप्रजेंटेशन भी देख सकते हैं कि इनको जो है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में सर के डायग्राम में जैसे हमने ये टॉर्च का देखा था तो ये टॉर्च थी और ये इसका क्या था सर्किट डायग्राम थी ठीक है जैसे सेल्स को किससे डिनोट किया गया बल्ब को किससे डिनोट किया गया स्विच को किससे डिनोट किया गया सो so, ये क्या है इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम है ये जो वायर है या फिर बैटरी या सेल वट एवर कंपोनेंट इज उसको जो है वो रिप्रेजेंट डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से किया जाता है जैसे जब हमारे पास जो वायर होती है उसको स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलरली हमारे पास सेल या बैटरी जो है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव अब ये देखें जो पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और जो नेगेटिव होता है वो स्मॉल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट किया जाता है इसी तरह से लैंप या बल्ब जैसे आपने यहाँ पे देखा लैंप बल्ब को इन्होंने क्रॉस से डिनोट किया अब इसको दो तरीके से यहाँ पे ये बल्ब बनाया जाता है या सिंपली उसको क्रॉस से डिनोट किया जाता है ये दोनों चीज़ें हैं ये किसको रिप्रजेंट करती हैं बल्ब हो या लैंप हो दोनों को इससे डिनोट करते हैं ठीक है यहाँ पर अगर आप देखें ये देखें ये बल्ब था और ये लैंप ठीक है नेक्स्ट वी हैव मोटर मोटर में सिंपल एम डाल दिया जाता है ये रिप्रेजेंट करता है मोटर को देन वी हैव बल बेल एंड बजर एंड स्विच स्विच को इस तरह से बेल और बजर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है अब कनेक्टिंग कंपोनेंट्स जब भी हम कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल होना चाहिए क्यों केयरफुल होना चाहिए क्योंकि ये जो है आगे जाके डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना चाहिए कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपोनेंट्स को जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करेक्टली बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो कनेक्ट किया जाए ठीक है ताकि जो क्यों ताकि उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इजीली हो सके ठीक है अब जब हम सर्किट का जो कनेक्शन होता है उसको बिल्कुल साफ़ करना चाहिए उसमें कोई जो है वो ग्रीस वग़ैरह या कोई भी डर्ट जो है किसी तरह की कोई गंदगी या कुछ भी नहीं हो वो बिल्कुल नीट और क्लीन होने चाहिए ठीक है जैसे कि अगर जो है वो कॉपर वायर जो होती है उसको बहुत ज़्यादा टाइम जो है अगर वो छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है वो ख़राब हो जाती है वो डल हो जाती है ठीक है अब बाकी जो है वो स्विचेस के बारे में हम देखते हैं स्विचेस अब जो स्विचेस जो होते हैं सबसे पहले स्विचेस क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं इनको ऑन या ऑफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे बल्ब है बल्ब को ऑन या ऑफ़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्विच यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास स्विच है ठीक है इट इज़ यूज़ Uh, किसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं इनको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ऑन या ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे आप इस स्विच को देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास uh, जो है वो ऑन और ऑफ़ की पोजीशन है जैसे अभी जो है ये क्या है ऑफ़ जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे ऑन हो जाएगा ठीक है जो हमारे पास स्विचेस जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं ठीक है डिफरेंट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस ठीक है जैसे अब बेल पुश जैसे जो है जब हम बेल करते हैं तो वो क्या होते हैं नॉर्मली जो बेल वाला जो स्विच होता है वो ऑफ रहता है जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं जैसे ही हमने बेल को प्रेस कर दिया जो हमारी डोर बेल्स होती हैं या हाउस की जो बेल्स होती हैं जैसे ही हमने उस बेल को प्रेस किया तो क्या होता है उसको प्रेस करने से उसके ऊपर प्रेशर आता है प्रेशर से क्या होता है वो क्या हो जाता है ऑफ़ हो जाता है और जैसे ही उस प्रेशर को ऑन हो जाती है वो बेल ऑन हो जाती है बेल जो है वो रिंग करना स्टार्ट कर देती है लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर से प्रेशर को रिमूव करते हैं वन द प्रेशर इज़ रिमूवड तो वो जो स्प्रिंग की कॉन्टैक्ट जो है वो वापस अपनी जगह पर आता है और स्विच क्या होता है वो ऑफ हो जाता है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये स्विच ऑफ है ठीक है जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा इसी तरह से बेल जो होता है वो डिफरेंट तरह का एक स्विच है जो नॉर्मली ऑफ रहता है उसके अलावा हमारे पास रीड स्विचेस भी होते हैं रीड स्विचेस जो हैं ये वो स्विचेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिक्योरिटी वगैरह के लिए रीड स्विचेस दे आर आल्सो यूज्ड इन लैपटॉप यहाँ पे आप रीड स्विच देख सकते हैं दे आर आल्सो यूज्ड इन लैपटॉप और ये इन स्विचेस का ये होता है कि ये किससे काम करते हैं दे वर्क और दे कैन बी ऑपरेटेड बाय अ मैग्नेट मैग्नेट के थ्रू ये ऑपरेट करते हैं जैसे ही मैग्नेट को रीड स्विच के करीब किया जाता है रीड स्विच जो है ये क्या हो जाता है ऑन हो जाता है यहाँ पे आप देखें जैसे ही मैग्नेट को इसके करीब किया जाता है रीड स्विच जो है वो ऑन हो जाता है लेकिन जैसे ही मैग्नेट को इससे दूर किया जाता है तो रीड स्विच जो है वो क्या हो जाता है ऑफ़ हो जाता है जैसे ही मैग्नेट को इससे रिमूव किया जाता है ठीक है अब इनको यूज़ किधर करते हैं ये बर्गुलर आराम सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं जैसे डिफरेंट जो है वो हमारी सिक्योरिटी परपज़िज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है या फिर जैसे ही जो रीड स्विच जो होता है इसमें क्या किया जाता है इसको जो है वो डोर या विंडो फ्रेम के करीब रख दिया जाता है और इसके करीब जो है वो एक मैग्नेट कर दिया जाता है जैसे ही डोर या वो विंडो जो है या अक्सर कोई लॉकर जिसमें हमारी जो है वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ चीज़ रखी जाती है तो उसके करीब रीड स्विच को रखा जाता है साथ एक मैगनेट रखा जाता है जैसे ही उस डोर को या उसको कोई ओपन करता है तो वो अलार्म जो है वो क्या करता है वो जो है वो रिंग करना स्टार्ट कर लेता है ठीक है जैसे ही उस डोर को या विंडो को या कोई भी लॉकर है उसको जैसे ही ओपन किया जाता है तो स्विच जो है वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है मैगनेट के साथ और वो क्या करता है वो अलार्म करना स्टार्ट कर देता है ठीक है सो रीड स्विचेस दे आर यूज्ड इन लैपटॉप्स ये हमारे मोबाइल्स में यूज़ होते हैं वी यूज रीड स्विचेस फ़ॉर आर सिक्योरिटी एज वेल